वेलकम टू फिल्मी लवर दोस्तों, आज हम मारा का रिव्यू करने वाले हैं जो कि एक तमिल मूवी है और अमेजन प्राइम पे 8 जनवरी को रिलीज़ किया गया है। इसका जो है स्टार कास्ट में आर माधवन और श्रद्धा श्रीनाथ हैं। इसको जो है डायरेक्ट किए हैं दिलीप कुमार। मारा जो चार्ली मूवी मलयालम मूवी का जो है ऑफिशियल रीमेक है। इसको जो है एक लव एडवेंचर मूवी है। अब जो है एक गुड मूवी है। अगर आपने चार्ली नहीं देखी है तो आपके लिए जो है एक बहुत अच्छी मूवी है। इसका जो है स्टोरी जो थीम जो है सेम रखा गया है। आपको स्टार्टिंग का और क्लाइमेक्स का दो सीन जो है आपको चेंजेस मिलेगा, बट स्टोरी लगभग सेम है और आपको जो है कई जगह पे आपको जो है ये हंसाएगी भी और इमोशनली कनेक्ट भी करेगी। और एक्शन थोड़ी सी इसमें एक्शन है जो कि है अच्छी है, थोड़ी सी है। एक्ट्रेस का अगर परफॉर्मेंस का बात करें तो श्रद्धा श्रीनाथ की एक्टिंग भाई लाजवाब इसमें है और आर माधवन का तो भाई जवाब नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा एक्टिंग किया है। अगर और सपोर्टिंग कास्ट का बात किया जाए तो सभी ने अच्छा लगभग आपको जो है एक्टिंग की है। स्टोरी भी बहुत अच्छी है। अगर आपने चार्ली देखी है तब आपको जो है ये थोड़ी सी जो है आपको डिसअपॉइंट करेगी, क्योंकि आप जो है ऑलरेडी आपके माइंड में कोई एक स्टोरी बैठ चुकी है और आप उसी को जो है आप देखना चाहते हो उसी को अच्छे रूप में। बट मारा जो है अच्छी रीमेक बनाई गई है डायरेक्टर द्वारा और परफॉर्मेंस जो है एक्ट्रेस का अच्छा है। इसका स्टोरी जो है एक लड़की जो शादी नहीं करना चाहती है वो घर से जो है भाग आती है केरला में और वहाँ पर जो है देखती है कि वॉल पे जो है पूरा पेंटिंग है। उसी तरह से उसको जो है फॉलो करते हुए एक रूम में जाती है जहाँ उसको ड्राइंग बुक मिलता है और मारा के बारे में पता चलता है। फिर मारा का जो है स्टोरी बहुत सारा स्टोरी उसको पता चलता है, अनफोल्डेड होता है। फिर वो उसके बारे में जानना चाहती है, उसको जो है कैसे उसका जो है पता लगाती है, क्या बहुत सारा उसका स्टोरी रिवील होता है, अनफोल्ड होता है। फिर जो है पूरा उसको खोजती है, फॉलो करती है, फुल मूवी में दिखाया गया। और मारा का जो है क्या क्या अच्छा काम किया है लोगों के लिए वो पूरा इसमें दिखाया गया है। इसमें जो है एक आपको लव स्टोरी भी देखने, ओल्ड मैन का भी लव स्टोरी देखने को मिलेगा जो आपको काफ़ी हंसाएगी भी और रुलाएगी भी है लास्ट में। तो आपने जाइए देखिए अमेज़न प्राइम पर। अगर चार्ली देखी है तो शायद आपके लिए थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है क्योंकि आपको थोड़ा नापसंद आएगा। वैसे मैंने चार्ली देख चुका हूँ 2 साल पहले, उसका जो है रिव्यू हम देने वाले हैं बहुत जल्द। वैसे चार्ली आप देखना चाहते हैं तो IMAX प्लेयर पर जियो सिनेमा पे जो है अवेलेबल हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।